आपके लिए फायदा जी, पन्नी बिल्कुल बंद कर दो, ये आप बिखर जाएगी, गर्म चीज रख के निकलेगी तो नीचे ना आपके नाम बोला ब्रो यार, एसी बोला ब्रो, जो भी होगा ना उसमें भी रिकॉर्डिंग में करना पड़ेगा हमें। आ जाओ जी लाइन में। उसने ले भाई। भाई पानी वाली सारा मिल गया। पिंजरे पिंजरे में आवे नहीं। पिंजरे मानी कितने? अंदर स्कोर अंदर। कटोरी थी। अरवा नहीं होती क्या? ओए गोलू, पर छायवा डालने की जो ओपन ही हुआ। आइए अब हम जानते हैं, इसका संचालन कर रहे हैं रवि शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मानव कल्याण चैरिटेबल फाउंडेशन से। शर्मा जी, पूछना चाहूँगा, ये जो आप संचालन कर रहे हैं रसोई का, ये कब से स्टार्ट हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो हम लोग संचालन कर रहे हैं रसोई का, ये हमारा जो चालू हुई थी रसोई, वो 28 मार्च 2020 से चालू हुई थी, जो प्रत्येक दिन शाम के टाइम से 5 बजे से इसका खाना वितरण होता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, हर आदमी को, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब है, जिन्हें एक टाइम का खाना नहीं नसीब हो रहा है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी मानव कल्याण चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है और आसपास के जो लोग हैं वो सभी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, जिसमें ये सहयोग मिल रहा है कि जो आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको खाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो कृपया भूखा ना सोए। और मैं यही निरंतर प्रयास करता हूँ कि इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेंद्र त्यागी जी और हमारे जो समस्त सहयोगी हैं, डीप लोग इंदिरापुरी के सब लोग सहयोगी जो हैं मेरे भाई बंधु, तो वो सब लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और हमारा केवल इतना ही प्रोत्साहन है कि कोई भी इंसान लोनी का भूखा ना सोए। और कम से कम मैं इस आपकी वीडियो के साथ माध्यम से, आपकी मीडिया के साथ माध्यम से एक और सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो काम पर नहीं जा पा रहे, जिनको खाने की आवश्यकता है, हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि हमारे आसपास में कोई भूखा ना रहे और जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं वो भी ऐसा प्रयास करें, कम से कम उन लोगों को खाना दे सकें। और एक ही कहना चाहूँगा, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, यही एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से हम लॉकडाउन को हरा सकते हैं। और विश्व के शक्तिशाली देश इस कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक गए हैं। आज विश्व में चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है। देखने लायक बात यह है कि जिस तरह से लोग भारत की लोग अब कथा सुनाते हैं, उस हिसाब से लगता है कि ये भारत में इसका तोड़ के दिखाए। और आशा करता हूँ आप सभी, देखना दिखाना भी चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, सैनिटाइज करवा के हम लोगों को।